रानी कहने लगी कि मुझे वनवास चले गए पंडवा और मैं दर और उधर घूम रही हुई बांधी हूँ। मैं महारानी कभी द्रौपदी की शादी रहा करती थी, आज मेरा यहाँ कोई नहीं है। मेरे बंधु हुआ क्या? अरे भारी लकी हो गई रे महारानी, और नयन करी सब पे भैया सारे घर का काम करती थी। जैसे ही राजा कमल नयन ने अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणा को बुलाया और कहा, देखते हमारे दरवाजे पे कौन कौन अतिथि आए हैं। और जैसे ही सुदक्षिणा ने महारानी द्रौपदी का चेहरा देखा, आहा, धरती तले जमीन खसक गई। और कहने लगी, जब बांदी इतनी सुंदर है तो महारानी द्रौपदी कितनी सुंदर होगी। क्या हुआ? यार तुम आ जा, 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 ले चुक जाओ मेरे। अरे कहिए भूपनी बात धर्म के साथ कहिए समझाई, अरे का दुख की घटिया भूल के मैं नमेउपन तो आई। I'm cool.